नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शहतूत के रस के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जंगली इलाकों में पाए जाने वाला शहतूत हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही अत्यंत मीठा और शीतल फल होता है, इसलिए गर्मियों के समय में इसे खाने से आप कई रोगों का निदान कर सकते हैं। शहतूत में मौजूद पौष्टिक तत्व गर्मियों के समय में होने वाली पानी की कमी को दूर करके शरीर में राहत पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ यह पेट में होने वाली हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर पेट में होने वाले कीड़ों को नष्ट करने के काम में भी लाया जाता है। शहतूत में विटामिन ए के साथ पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। इससे शरीर में होने वाली बीमारियां जैसे जोड़ों का दर्द, गले से संबंधित बीमारी और पेट की समस्या, उल्टी, दस्त के समय शहतूत का सेवन रामबाण के समान होता है। दोस्तों शहतूत के फल के साथ इसके पत्ते भी शरीर के रोगों को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। इनके पत्तों को पीसकर इसका लेप घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा यह शरीर में होने वाली दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाने के काम आते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं शहतूत के रस के फायदों के बारे में। छालों में राहत देता है। दोस्तों मुंह के छाले से परेशान लोगों की सबसे खास दवा है शहतूत। इसके रस को निकालकर पानी के साथ मिलाकर गरारे करें, इससे गले के छाले के साथ मुंह के छाले भी दूर हो जाते हैं। गले में जलन। दोस्तों अक्सर गर्मी के दिनों में शरीर में पानी की कमी होने से पेट या गले में काफ़ी जलन होने लगती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आप शहतूत के रस को पानी के साथ मिलाकर पिएं, या फिर शहतूत का शरबत बनाकर पीने से गले व पेट में होने वाली जलन दूर हो जाती है। गले में दर्द। दोस्तों गले में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए आप शहतूत का शरबत बनाकर पिएं, इससे जल्द ही आपको राहत का अनुभव होने लगेगा और गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। टोन्सिल्स के लिए। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हो या बड़े सभी टोन्सिल्स की समस्या से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इससे होने वाला दर्द काफ़ी असहनीय होता है, गले में दर्द के साथ सूजन बढ़ने लगती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए आप गर्म पानी में शहतूत के रस को मिलाकर उसका गरारा करें। गले की सिकाई से सूजन तो खत्म होगी ही, साथ ही में बड़े वे टोन्सिल्स भी ठीक हो जाएंगे। दिल संबंधी रोगों के लिए। दोस्तों शहतूत शरीर की हर बीमारियों को दूर करने का सबसे अच्छा औषधीय उपचार है। इसका सेवन करते रहने से शरीर का कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, वजन कम होता है, जिससे हृदय रोग जैसी समस्याओं के खतरे कम ही देखने को मिलते हैं। इससे दिल की बीमारी दूर होती है, इससे ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहता है, शरीर को ऊर्जावान बनाए। दोस्तों शरीर को शक्तिवर्धक बनाए रखने के लिए आप एक गिलास गाय के दूध में 1 मिलीलीटर शहतूत का रस मिलाकर रोज इसका सेवन करें। आपको हमेशा ताजगी का अनुभव बना रहेगा। इस स्वादिष्ट फल का स्वाद जितना मीठा होता है उतना ही शरीर के लिए सेहतवर्धक है। शहतूत में ऐसे कई प्राकृतिक गुण हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाने के काम में आते हैं, इसलिए शहतूत का सेवन करना हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों शहतूत का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, इसके साथ ही सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। पेट में दर्द, कब्ज और पेशाब में जलन जैसी संबंधी रोगों से छुटकारा पाने के लिए शहतूत का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। शहतूत का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और इसके अलावा इसका उपयोग करने से त्वचा को कई सौंदर्य लाभ प्राप्त होते हैं। गर्मी के समय में होने वाली समस्या जैसे पेशाब में जलन या पेशाब के रंग का पीला होना जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए शहतूत के रस में चीनी मिलाकर पिएं, इससे जलन के दूर होने के साथ पेशाब का रंग साफ हो जाएगा। गर्मियों में शहतूत का सेवन करने से लू लगने जैसे खतरे कम होते हैं, इसलिए लू जैसी समस्या से बचने के लिए आप हमेशा शहतूत का सेवन रोज करें।
सहतूत को नियमित रूप से रोज खाने से लीवर गुर्दों की बीमारी जैसी समस्या दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।